अभी कोई अवार्ड मिल नहीं रहा है. मैं एक्साइटेड तब होंगी जब मुझे अवार्ड मिलेगा. बट इट्स वोग ब्यूटी अवार्ड्स. दिस इज वेयर फैशन एंड ब्यूटी बिगिंस, द ब्यूटी ट्रेंड्स बिगिन. एंड आई एम एक्साइटेड टू सी हु इज गोना विन. गुड इवनिंग माय फेवरेट. Thank you. It's all due to Sanjana, my stylist. It's Reem Akra that I'm wearing, and we try to keep it very, like, sultry and glossy. I don't know. Classy. That's always a given. Saalon baad. Ji. I hope theater mein jaake dekhe bas. तैयारी जारी है लेकिन टुडेज नाइट इज नॉट अबाउट दैट. सो आई हैव टू रश एंड आई हैव टू गिव एन अवार्ड. सो आई डोंट वांट टू डू इट अगेन. आई कुडंट थिंक ऑफ अ मोर बिफिटिंग कैंडिडेट. ही ट्रूली डिजर्व्स एवरी अवार्ड एंड ऑल द रिवॉर्ड्स. ही इज अ स्टॉलवर्ट. Yeah, in his field. Super. We're looking like twins. I love colors. So it's a great combination. That's the thing, you just have to keep experimenting, keep
getting better at it. And thankfully, I have a great team who works really hard to make me look the way I do. So thanks to them. Yes. He's a legend. Yeah. I mean, he's God when it comes to acting and when it comes to, you know, this industry. And we all really, really feel inspired. And a huge congratulations to him. And yeah, I would personally also, I was just thinking I would message him also and just congratulate him. And yeah. एक्चुअली ये वो ब्यूटी अवार्ड्स है ना मैं ब्यूटी से जुड़ी हूँ मैंने देख लिया आप सारी एक्ट्रेसेस से ऐसे ही फ्लर्ट करते हैं मैं गलत बोल रही हूँ क्या नहीं सेम है ना स्ट्रैटेजी इनकी मैं समझ गई प्यारी था मुझे लगा मैं हॉट लग रही हूँ बहुत पहले ही मिल जाना चाहिए था वो ऐसी हस्ती हैं उन्होंने हर तरह की फिल्में की इतने दर्शकों से इतनी कल्ट फिल्मों का हिस्सा रह चुके हैं और गाना भी गाते हैं और कितना सारा चैरिटी वर्क भी करते हैं चाहे वो पोलियो के लिए हो या सो आई रियली थिंक इट्स लॉन्ग ओवर ड्यू ही इज़ एन इंस्टीट्यूशन इन हिमसेल्फ एंड द होल इंडस्ट्री इज़ प्राउड ऑफ इट ओह रियली हैप्पी बर्थडे अमित सर यू आर अमेजिंग कीप शाइनिंग कीप इंस्पायरिंग एंड दिस ऑनर इज लॉन्ग ओवर ड्यू बट वी मस्ट स्टिल सेलिब्रेट इट Okay, thank you. कौन बोला कौन बोला कौन बोला ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अभी अभी हाल ही में खबर आई है हाल ही में खबर आई है ऑस्कर में ऑफिशियल एंट्री होगी तो थैंक यू सो मच तो एक्साइटमेंट और डबल ट्रिपल इनटू टेन है और बहुत एक्साइटेड हूँ लुकिंग फॉरवर्ड टू द लवली सेटअप वी हैव सेरेमनी लेट्स सी यार एज एन एक्टर बाद में बोलूँगा अभी पहली फिल्म थी मेरी और पहली फिल्म में ही इतना कुछ हो रहा है तो लोगों का प्यार है और फिल्म बहुत बढ़िया बनाई थी जोया अख्तर फरहान अख्तर रितेश सर रणवीर सिंह आलिया भट्ट सो आई थिंक पूरी टीम का ये टीम की मेहनत है और जो रंग ला रही है सो आई एम वेरी हैप्पी हाय हाँ कह सकते हैं आ रहा है धीरे धीरे बहुत खुश हैं खुशी का माहौल है हर जगह काफ़ी समय से लगा हुआ था मैं फाइनली जाके मुझे याद है आपने मेरा इंटरव्यू पहले भी लिया था इनसाइड एज में तो तब से अब तक जो जर्नी रही है बहुत मज़ा आया बहुत कुछ सीखने को मिला है बड़े बड़े धुरंधरों के साथ काम किया है मैंने रणवीर सिंह आलिया भट्ट जोया अख्तर का डायरेक्शन पहली फिल्म में तो बहुत खुशी होती है और थोड़ा प्रेशर भी है अब आगे के लिए तो लेट्स सी क्या क्या
जी तो वो हमेशा से ही था, अगर वो नहीं होता तो फिर शायद कुछ भी ना होता, वो हमेशा से ही था और वो बरकरार है और वो शायद और बढ़ता रहेगा, पर मेहनत भी उतनी थी और मेहनत भी हमेशा जारी है। थैंक यू सो मच।